नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नज़र आज की हेडलाइन पर। वैष्णो देवी में आरती करना हुआ दूना महंगा। 23 बच्चों को जहर देने के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार। शादी से पहले ही यह एक्टर्स दिखी बेबी बम्प में। अब खबरें विस्तार से। वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा पूरे देश में प्रसिद्ध है। जहां आरती के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, यहां श्रद्धालु को आरती के लिए 1,000 रुपए अदा करना पड़ता है, जो कि अब इसमें बढ़ोतरी की गई है। श्रद्धालुओं को 1 अप्रैल से आरती करने के लिए 1,000 रुपए नहीं बल्कि 2,000 रुपए अदा करना पड़ेगा। इसकी घोषणा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कर दी है। आरती के दाम बढ़ने पर श्रद्धालुओं ने नाराजगी भी जताई। रेट बढ़ने से श्रद्धालु भी नाराज हैं। बता दें कि देश भर से यात्री माता के दर्शन के लिए आते हैं। हर रोज लगभग 30 से 40 लोग दर्शन करते हैं। अटका आरती के लिए लोगों को टिकट तक नहीं मिल पाता है क्योंकि इतनी जगह नहीं होती है, लेकिन अब रेट बढ़ने से श्रद्धालुओं में भी अब नाराजगी है। चीन के हेनान प्रांत में किंडरगार्टन के एक शिक्षक को 23 बच्चों को कथित रूप से नाइट्रेट के रूप में जहर देने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के अनुसार जिया और जुओ के मेंग किंडरगार्टन में कई बच्चों को बेहोशी और उल्टी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत में सुधार होने के बाद ज्यादातर बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने जाँच में पाया कि उस दिन किंडरगार्टन के एक शिक्षक ने बच्चों के दलिया में नाइट्रेट मिलाया था, जिसके कारण बच्चे बीमार पड़ गए। जानकारी के अनुसार जियाजुओ में स्थानीय जनसुरक्षा ब्यूरो से शिक्षकों को हिरासत में ले लिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अपने रिलेशनशिप को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है और अब बॉलीवुड अभिनेत्री एमी जैक्सन अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज संग लंबे समय से रिलेशनशिप में है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दोनों शादी करेंगी, लेकिन शादी से पहले ही एमी जैक्सन ने अपने प्रेगनेंसी की घोषणा कर सभी को चौंका दिया है। एमी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने बॉयफ्रेंड संग फोटो शेयर की है और एमी ने एक बेहद ही प्यारा कैप्शन भी लिखा है। इसमें एमी का बेबी बम्प साफ नजर आ रहा है। उन्होंने लिखा है, मैं बहुत समय से यह बात बताना चाहती थी। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।